आज एपी के जाने के बाद हम पहला व्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि आ गए हैं कैलिफोर्निया ब्रिटो में। वहाँ तो होती है सजावटी टीम भी आ रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो आप लोगों का स्वागत है मेरे व्लॉग के अंदर। और जैसा कि तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, देख सकते हैं आप। और आज कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आज नोएडा। और क्या कुछ होने वाला है, किस चीज़ का व्लॉग आने वाला है, वो आपको पता चल जाएगा। व्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। और जैसा कि आज एपी के जाने के बाद फर्स्ट व्लॉग हम शूट कर रहे हैं, लास्ट व्लॉग आपने देख ही लिया होगा। सो वो आधा इंटरनेशनल था, आधा इंडिया था, इंडिया का था। सो ऐसे ही है हमारा, तो क्योंकि आगे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो बाकी बातें हम आपको बताएंगे बाद में। सो अभी मैं उठ गया था सो के, और सो के उठने के बाद मैं सीधा मैं रेडी हुआ हूँ, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा ऐसी था, तो सोचा रेडी होने के बाद ही आपसे मैं मिलता हूँ। तो सो इसलिए मैं रेडी होने के बाद मैं आपसे मिला। सो गाइज, मिलता हूँ फिर मैं निकलने के बाद। तो गाइज, रेडी होके मैं निकल गया था। और जैसा कि आपको पता है, आज एपी के जाने के बाद हम पहला व्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि जब से एपी गया है तो थोड़ा सा हमारा ऐसे हो रहा था दिल। सो जनरली मैं बताऊँ आपको, तो एपी के जाने के बाद हम कहीं गए नहीं अभी तक। आज फर्स्ट टाइम हम निकल रहे हैं सिटी से बाहर हम अपनी, क्योंकि हम नहीं गए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा मन ऐसे ही था। बट फिर उसके बाद में तो काम तो कंटिन्यू करने पड़ते हैं ना। तो सो अच्छा, काम का भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि सिटी से बाहर हम इसलिए नहीं गए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि थोड़ा सा दिल ऐसे ही कर रहा था, मतलब हो नहीं रहा था जाने का दिल। और देखो गाइज, पता नहीं क्या हो गया, अभी स्कूटर गिर गया, पता नहीं कैसे। सो आप देख सकते हैं, चलिए भाई आ गए हैं बहुत सारे उठाने के लिए। तो मैं अभी नहीं सिटी कॉलोनी से बाहर ही निकल रहा हूँ सोसाइटी से। सो सिमरन को कॉल करी है, वो रेडी हो गया है, उसकी भी कॉल आ गई है मेरे पे रिटर्न के मैं रेडी हो गया हूँ, आ जाओ। सो अभी चलते हैं और फिर आपसे जो है कुछ टाइम के बाद मिलते हैं। और हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं एक्चुअली ना जब से एपी गया है तो फर्स्ट टाइम ही सिटी से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि दिल नहीं हो रहा था जाने का। एक्चुअली साथ में थे और दोस्त है, सो एकदम से कोई जाता है तो दिल तो थोड़ा सा परेशान होता ही है, तो इस वजह से थोड़ा सा मन हो नहीं रहा था। तो बाकी व्लॉगिंग भी हमको कंटिन्यू रखनी है, और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया है, काफ़ी सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे, और डेली अपग्रेड रहते हैं, बढ़ते हैं। सो इस वजह से काम तो कंटिन्यू करना ही है सारे। तो आज हम जा रहे हैं नोएडा, और जैसा कि G20 की वजह से दिल्ली तो सब बंद है, सब नहीं, कुछ चीज़ें दिल्ली में बंद हैं, और इतना क्राउड जाने नहीं दे रहे हैं दिल्ली में। सो इस वजह से हम जा रहे हैं नोएडा, और नोएडा में कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको कुछ देर बाद बताएंगे। सो सिमरन को मैं ले लूँ, फिर उसके बाद आपसे फिर मिलता हूँ। गाइज, निकल चुके हैं अभी हापुड़ से, और सिमरन भी हमारे साथ आ गया है। आज तो दो ही हैं, आप लोग तीन देखते हुए आए, हमेशा हमारी पूरी टीम आज हम दो तो अधूरी। मैंने जैसे कि बताया इनको, मैंने बोल दिया कि फर्स्ट लोग है एपी के जाने के बाद हमारा, क्योंकि हमने शूट ही नहीं किया, क्योंकि हमारा दिल ऐसे ही हो रहा था, तब से बाहर भी नहीं निकले, खुद के कामों में भी पर्सनल भी नहीं निकले, मन ही नहीं करा, बहुत अकेला अकेला फील हो रहा था, ये कुछ हमारा लाडला था ऐसा था ना वो। हाँ भाई, मेन मुद्दा ये है, लोग बाग दुनिया भर के हैं, दुनिया भर के बरते भी हैं हमने, और दुनिया भर के जुड़ना भी चाहते हैं, सब चीज़ होती है, बाकी भी बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, पर जो जेम्स होते हैं ना, जेम्स का मतलब हीरे, वो कुछ ही चुनिंदा ही होते हैं, 100 में से 2 ही होते हैं, ये आपको भी पता, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आज चलो खैर, वो तो बात अलग है, आज निकले हैं घर से बाहर। वैसे एपी मिस यू ब्रदर, देखेगा एपी तो व्लॉग। हाँ। और बाकी क्योंकि इंटरनेशनल चल रही है आजकल हमारी व्लॉगिंग। हाँ, पिछले व्लॉग में डाला है, बहुत होंगे कब, मुझे नहीं पता कि बाकी कर रहे हैं लोग या नहीं कर रहे, पर जो इंडो कैनेडियन चल रहा है ना ये, हाँ।
ठीक है, कोलैबोरेशन यहाँ से भी चल रहा है, व्लॉग वहाँ से भी चल रहा है, व्लॉग सब चीज दिखाई जा रही है आपको, इंडिया के इंडिया में रहती कनाडा दिखा दिया हमने, हाँ वैंकूवर की भी बताई जा रही है, और आगे हम बताएंगे भी क्या सिस्टम होता है, कैसे होता है, सब चीज बताएंगे कैसे, और आगे और भी व्यू दिखेगा आपको कनाडा का। अभी तो असल में एपी थोड़ा सा टायर्ड भी है, और अभी इतना जमता है ना आदमी थोड़ा सा जाने के बाद में, तो अभी वहाँ का माहौल उसको समझ में नहीं आया, अभी तो क्लाइमेट भी उसके थोड़ा सेट नहीं हो रहा क्योंकि टाइम जोन चेंज है, वेदर वहाँ ठंड बहुत है, तो इस वजह से बाकी आपको तो कनाडा हम यहाँ इंडिया में बैठे बैठे दिखा देंगे, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी शानदार चीजें हैं, जो भी वहाँ का व्यू है, वो सब आपको यहीं दिख जाएगा, पकड़ तो इंटरनेशनल अपनी पूरी है हर जगह की। और बाकी देखो कुछ कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम में शायद और लोग भी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जाए कहीं, बिल्कुल, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखो अब इसमें तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। चलिए तो गाइस फिर आपसे मुलाकात होती है, वैसे आज हम जा रहे थे नोएडा की साइड, बाकी आगे जाके दिखाएंगे, प्लान चेंज भी हो सकता है, और नहीं हुआ तो आपको हम अपडेट कर देंगे, प्लान बी भी हो जाता है हमारा कि नोएडा कहाँ जा रहे हैं, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, नहीं हुआ तो फिर वही है सेम। चलिए तो गाइस इनका डॉग जा रहा है, और कैसे देखना कितना बेचारा इसको हवा लग रही है बहुत ज्यादा, और देख रहा है गाड़ी की तरफ, इसे गाड़ी में ले लो, आगे करो इसको, कहता हूँ हम ड्रॉप कर देंगे इसको, मैं कहता हूँ थोड़ी आगे करो, हॉर्न दो, नहीं तेज असल में उनकी बाइक भी, अच्छा वो देख भी तो ना रहा भाई, वो देख भी नहीं रही, और बाइक ऐसे तेज है ना एक्सीडेंटली तुम बोलोगे तो उनको पता नहीं एकदम झटका लगेगा। सो गाइस वी आर इन नोएडा 104 सेक्टर, ये देखिए काफी सारे कैफे बने हुए हैं यहाँ पे, चीज पुल वगैरह, ये कैफे की लाइन है सारी, रूफ टॉप भी है इसमें, हम पहुँच चुके 104, हमें जाना है 144 में, बता दो कहाँ जाना, और हम जा रहे हैं एडवेन, एडवेन निवास में, मतलब कि अच्छी जगह है, मॉल है, क्राउड बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, काफी अच्छा क्राउड होता है, इवनिंग से स्टार्ट होता है वहाँ का क्राउड जो है ना, इवनिंग के बाद ही, और अभी इवनिंग ही हो चुकी है क्योंकि आज तो वैसे भी मौसम बारिश की वजह से थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि अभी भी देखो रात सी हो रही है, बाकी वहाँ पे मजा भी इवनिंग का ही है, सो आज संडे भी है, देखते हैं कितना क्राउड होने वाला है, क्या चीज होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। चलो जी गाइस ट्रैफिक आ चुका है ये, और ये किसी भाई की सी क्लास है, व्हाइट कलर की है, पुराना मॉडल है, और ब्लैक इज ब्लैक, ब्लैक ब्यूटी, अरे ये गाड़ी जिम्मी, ये देखो मिनी रूबीकॉन, रूबीकॉन, अबे ये तो थार की भी कॉपी नहीं कर सकती, रूबीकॉन की तो तब कॉपी करेगा, नहीं नहीं भाई साहब मैं से फ्री में भी नहीं लेने का, मिनी रूबीकॉन है, लेके भी बेइज्जती है इसमें, कौन है इसे लेने के बाद बेइज्जती है अपनी, देखिए बिल्कुल अच्छा लग रहा है वैसे, तो वैन सी लग रही है, वाइट कलर ब्लैक लेनी चाहिए भाई को, पर हमारे वो थोड़ी ना है कि अब हर चीज हमारे जैसे कोई ब्लैक ही, ब्लैक ही अपने पे तो थार भी ब्लैक है यार, शौकी कलर ब्लैक दे, तो अपना तो मसला अलग ही है, देखो ये थार की जो कॉपी पे बनी है ना ये गलत है मेरे हिसाब से, उसी तबके की है कुछ अलग कर देते हैं ना, बाकी थार थार है, रूबीकॉन की तो खैर बात ही अलग है, रूबीकॉन की क्लास अलग है, घर में आएंगी भी तो ये बहुत सारी। चलो गाइस मिलते हैं आपको पहुंच के, एडवेंट एडवेंट में हम पहुंच चुके हैं, और बिल्डिंग तो काफी शानदार बनी हुई इसकी है ना, बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, काफी बढ़िया बिल्डिंग काफी अच्छी है, बाकी अब देखते हैं अगर क्राउड है तो चलते हैं अंदर, और अंदर चल के भी पता चलेगा मतलब क्राउड का, अगर क्राउड हुआ तो ठीक। ये ऊपर गाइस इसके रूफ टॉप पे कैफे हैं, रूफ टॉप पे कैफे बने हुए हैं, स्काई हाउस है, और इसमें वो भी है टॉय बॉय, सीधे चलो और भी बाकी बहुत सारे कैफे हैं, सीधे चल रहे हैं, वो चक्कर में थोड़ा सा जो है ना ध्यान इधर हो गया था, बाकी कैफे इसमें बहुत सारे हैं, और देखते हैं अंदर चल के क्या माहौल होने वाला है, क्या क्राउड होने वाला है, अगर ठीक क्राउड हुआ तो गाइस रहेंगे, वरना तो कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और का हिला देंगे, चलते हैं तो आपसे अंदर मिलके। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, और एज यू ऑलरेडी नो कि फैसल भाई हमेशा वैलिड ही प्रेफर करते हैं, और वैलिड पार्किंग ही इन्हें चाहिए, चाहे हो या ना हो तो भी इन्हें चाहिए, जो भी चाहिए, फाउंटेन की तरह आ रहा है, फाउंटेन में अच्छा आ रहा है ना। हाँ अभी गाइस उतर के भी दिखाएंगे, और ये स्वीपर भैया लुकिंग अस, तो गाइस आए फिर
आज कार कितनी गंदी हो रही है। हाँ काफी हो गई आज। और वैसे व्यू काफी शानदार आ रहा है ना। हम्म, ये अच्छा आ रहा है, व्यू काफी शानदार आ रहा है गाइस। और एक बार आपको पूरा डिटेल माउंट भी दिखाएंगे अंदर चलने के बाद। सो अभी चलते हैं और एंट्री करते हैं। देखो फाउंटेन बड़ी प्यारी आ रही है ना, ये बड़ी वाली ज्यादा प्यारी है, ये ज्यादा अच्छी है। चलो गाइस अंदर जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या है। फाउंटेन का व्यू दिखा देते हैं इनको गाइस। ये अलग अलग कलर का फाउंटेन और ये स्टारबक है और वो 0 degree है, 24/7 है। खाने पीने का तो जुगाड़ काफी है, तो काफी काफी चीजें हैं। बाकी अंदर चलेंगे और डिटेल में तो आपको अंदर ही पता चलेगा। हम भी तो पहली बार आए ना गाइस यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। Hold on, just let us escape and fly away tonight. तो गाइस हम आ गए हैं कैलिफोर्निया ब्रिटो में और ये यहाँ की स्पेशल है जो हम लेके बैठे हैं डिश। क्या नाम है इसका? चिपोटली चिकन। सो बहुत ही टेस्टी है, बड़ा यूनिक सा नाम है इसका। पहले तो हमने टेस्ट कर रखा है ये, ऐसा नहीं है। तो काफी टेस्टी है ये, मिलता सिर्फ यहीं पर ही है कैलिफोर्निया ब्रिटोनिया में। सो उसके अलावा कहीं मिलने मिलता नहीं है, मतलब मुझे जहाँ तक पता है वो है, इनकी वो स्पेशल डिश है। सो आइएगा और टेस्ट करिएगा, काफी टेस्टी है। तो कुछ खा लेते हैं फिर उसके बाद में निकलते हैं बाहर। मैं ये कह रहा हूँ इसके हर जगह तो ये जो इनका ये है कैलिफोर्निया चिपोटे वगैरह इसका ये ब्रिटो ये भी नहीं है हर जगह। तो कैसा लगा? टेस्ट एक नंबर, बढ़िया है। चलो गाइस ठीक है, तो आगे दिखाते हैं आपको, लेट्स कंटिन्यू। सो हम वहाँ से निकल आए थे। तो गाइस हम जैसे कि निकल गए थे नोएडा से और अब दिल्ली आ गए। आई एम सॉरी, कैन यू से दैट अगेन प्लीज? नहीं बेबी आपसे नहीं कह रहा मैं। तो जैसा कि हम वहाँ से निकल गए थे दिल्ली आ गए थे दरियागंज, और देखना कितनी शांति है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है नॉर्मल दिनों में कि इतनी शांति हो। मन कर रहा है कहने को इतना सन्नाटा क्यों है भाई। दरियागंज जैसे रोड पे जहाँ गाड़ी क्या बात ही, पैदल निकलने में परेशान होता है, इतना रश रहता है। सो अभी आपको कुछ ग्लोबल 20 का भी हम आपको व्यू दिखा देंगे कि दिल्ली कैसी सजी हुई है और किस तरह से इन्होंने सजाई हुई है। काफ़ी मतलब अच्छी हो रही है इस टाइम दिल्ली, जैसे कह सकते हैं। तो बाकी डिनर के लिए तो यहाँ पर होटल इस टाइम सब बंद पड़े हैं, देखते हैं कहाँ खाना है, क्या कुछ होने वाला है। ऐसा लगता है कि शायद अपने लेवल का तो होटल कोई खुला हुआ मिलेगा नहीं, तो हापुड़ी खाना पड़ेगा चल के, है ना। बाकी देखेंगे गाइस, जैसा भी मौका होगा जैसी भी बात होगी आपको बताई जाएगी। सो दिल्ली गेट आ गया है, दिल्ली गेट दिखाते हैं आपको। और बाकी शांति बहुत ज्यादा है आज, ऐसा गाड़ी पे हम भगा नहीं रहे, बिल्कुल आराम से चल रही है ना, ब्रेक लग रही है ना, कुछ हो रहा, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। और यहाँ इन्होंने शावर भी बनाया, एक मतलब शावर बनाया क्या, फाउंटेन बनाया, सॉरी फाउंटेन तो इन्होंने बहुत सारे बनाए, बहुत सारे बनाए। देखो ये आ गया एक फाउंटेन जो इन्होंने बनाया है ग्लोबल 20 की वजह से, जूम करो
और बाकी पूरा आपको थोड़ा थोड़ा व्यू हम दिखाएंगे दिल्ली का कि दिल्ली किस तरीके से सजी हुई है, जहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। अभी हम दूसरी साइड जा रहे हैं, सो आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं। Stay tuned. जो इन्होंने G20 में सजा रखा है, डेकोरेट किया है, काफ़ी डेकोरेट काफ़ी अच्छा किया है। और अभी आगे से भी दिखाएंगे थोड़ा सा। एक चीज़ ऐसा है, इन्होंने स्ट्रीट इतनी साफ कर दी है, एक 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 रोड पे कोई पॉलिथीन नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है सजा हुआ, बहुत बढ़िया, एक नंबर। ये देखो इन्होंने शहीद पार्क बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत ही खूब कर रखा है, अच्छा कर रखा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और मतलब क्राउड तो देखो बिल्कुल इन्होंने स्टॉप कर रखा है, इस वजह से क्राउड तो है नहीं, बाकी क्लीननेस भी बहुत ज़्यादा है रोड पे या कहीं भी तुम देख लो, मतलब लग रहा है कि हाँ ऐसी रहनी चाहिए परमानेंट, क्योंकि हमारा तो देश है और दिल्ली है हमारी राजधानी, दिल वालों की, तो ऐसे ही रहना चाहिए हमेशा, बट ये है कि नहीं रह पाती, खैर वो एक टॉपिक अलग है। बाकी काफ़ी क्लीन है। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। गाइस ये है देखो ITU की बिल्डिंग, जो कि दिल्ली की सबसे पुरानी बिल्डिंगों में से एक है, और ये सबसे मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत सजाई हुई है दिल्ली ने, देख सकते हैं आप लाइटिंग कितनी प्यारी हो रही है, तब लग रहा है दूर से ही देखने के बाद कि हाँ बहुत खूबसूरत सजी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। ओफो ये तो लग रहा है जैसे दुबई में तुम घूम रहे हो, है ना, इस बिल्डिंग को देख के, क्योंकि वहाँ तो होती है सजावट इतनी प्यारी। यहाँ बाकी देखो स्लो करके दिखाएंगे, और आगे पीछे पीछे भी सब सजा हुआ है पूरा, देख सकते हो, दिखाओ इधर कैसे बंद कर दी गई लाइट हमारे आने के बाद। लाइट चली गई? नहीं नहीं, वो ऐसे ही है ना। अच्छा, प्रोसेस ऐसा है, इन्होंने ऐसा फिल्टर कर रखा है। हाँ प्रोसेस ही ऐसा है वो, बढ़िया कर रखा है। हाँ खैर चलो आगे जाके मिलते हैं। तो गाइस जैसा कि हम दिल्ली से आ गए थे और होटल तो सब बंद थे, हमने आपको बता दिया था, तो डिनर किया था हमने घर ही आके, तो अब तो थोड़ा सा मीठा खाने का दिल हो रहा है। लो चलो सुनन भाई, ये तुम्हारा फेवरेट बॉय वाला। थैंक यू। और तो मैं थोड़ा सा लड्डू खा लेता हूँ। ए पी भाई तुम भी ले लो। हाँ तुम तो ये वाली लाइन सारी ख़त्म कर दोगे एक ही बार में? नहीं, ये वाली और ये वाली दोनों दोनों कर देंगे। अच्छा तो भाई घर आ गए थे, तो फिर अभी चाय पीने का दिल हो रहा है, चाय पीने बाहर जाएंगे, बट ये हम व्लॉग एंड करते हैं यहीं पर। तो व्लॉग में कुछ चीज़ें हैं आपको देखने के लिए, तो नोएडा दिल्ली जैसे हम दोनों जगह गए थे, तो G20 का भी आपको हमने व्यू दिखाया है अलग अलग जगहों पर। सो बाकी नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो उसमें सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि दिल्ली भी खुल जाएगा। सो व्लॉग में बने रहिएगा और पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा। सो अभी के लिए इतना, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।